सपा ने जारी की 96 विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट। देवपाल को जगह, आजम रामगोपाल का नाम गायब। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 96 सीट के उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल है। शिवपाल यादव इस लिस्ट में शामिल है। खास बात है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दिग्गज नेता आजम खान और चाचा रामगोपाल यादव का नाम भी गायब है। शिवपाल की प्रतिष्ठा दांव पर। इस समय उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में संगठन में खासी पकड़ रखने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव की प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। निकाय चुनाव में शिवपाल सपा से अलग होकर के एक नई राह पर चले थे, जिसका फायदा कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। मगर इस बार शिवपाल के पूरी तरह अखिलेश और उनकी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक आज भी शिवपाल के पार्टी संगठन में खासी पकड़ है। कार्यकर्ता उनकी बात को न केवल सुनते हैं बल्कि हर हाल में मानते भी हैं। 96 सुरक्षित विधानसभा सीट यूपी के मिर्जापुर जिले में आती है। 2022 में 96 में कुल 47.29% वोट पड़े। 2022 में अपना दल से राहुल प्रकाश कोल ने समाजवादी पार्टी के कीर्ति को 38,113 वोटों के मार्जिन से हराया था। 96 विधानसभा सीट राहुल कोल का निधन होने की वजह से खाली हुई है, जबकि स्वार सीट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता जाने की वजह से खाली हुई है। दोनों ही सीटों के लिए 21 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 24 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 1 मई को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 13 मई को होगी और 1 मई को ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। सपा ने अपनी रणनीति बदलते हुए नगर निगम चुनाव में MY यानी कि मुस्लिम यादव की जगह बम ब्राह्मण मुस्लिम कार्ड चला है। अभी तक वह मुस्लिम व यादवों की तरजीह देने वाली पार्टी मानी जाती थी, लेकिन महापौर पद पर उसने ब्राह्मण व मुस्लिम प्रत्याशियों पर ज्यादा दाम लगाया है। अखिलेश यादव ने दो दो दलित और कायस्थ प्रत्याशी उतार कर राजनीति की अपनी सतरंगी चालों को भी आभास करा दिया है। वहीं यादव प्रत्याशी न उतारने के आरोप लगने पर गाजियाबाद में नीलमगढ़ के स्थान पर पूनम यादव को महापौर पद का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है।